हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मेरे चैनल हेल्थ ज्ञान विद में आपका स्वागत है। आज हम आपको वृंदावन के सभी चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। सहजी मंदिर के इष्ट देव श्री राधा कृष्ण जी, यह मंदिर इस क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मन की शांति और आनंद प्राप्त कराता है। यह मंदिर वृंदावन में स्थित है। अब आप देख रहे हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार महादेव जी गोपी बनकर वृंदावन पहुँचे, इसलिए उन्हें गोपेश्वर महादेव भी कहा जाता। अब आप सामने देख रहे हैं रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर, जो 1851 में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपनी शेषशायी मुद्रा में हैं और पवित्र शेषनाग के बड़े कुंडों पर विश्राम करते हैं। इस मंदिर में सामने एक सोने का खंभा भी है जिसे आप देख रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 1845 से 1851 तक हुआ था। इसे बनने में करीबन 45 लाख रुपये खर्च हुए थे। अब हम आए निधिवन। धार्मिक मान्यता के अनुसार रात को रंग महल में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाने के लिए आते हैं। ऐसा अब आप देख रहे हैं श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पड़ पोते ने 5000 साल पहले किया था। अब हम आए प्रेम मंदिर। इसके बारे में वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे और यहाँ पर सभी लोग आए होंगे। इस मंदिर का निर्माण जगतगुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। अब हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल, जिसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है।